हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत फ्रॉम अड्डा 247। आपका स्वागत करते हैं। आज हम साथियों डिस्कस करेंगे जो केवीएस का सिलेबस है, केंद्रीय विद्यालय में पेडागॉजी से संबंधित। चूंकि मैं पेडागॉजी पढ़ाता हूं, तो आपको पेडागॉजी से संबंधित अपने विद्यार्थियों को मैं सारा सिलेबस एक बार समझाना चाहता हूं कि केंद्रीय विद्यालय में क्या सिलेबस इस बार 2018 में पेडागॉजी से संबंधित आएगा। जी हाँ, तो सबसे पहले आप देखेंगे जो केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन है, इसको आप देख सकते हैं। इसका जो पूरा नाम है उसको बोलते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन। इसमें आप देखेंगे तीन लेवल पे इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला है पीआरटी हो गया आपका, दूसरा है टीजीटी, और तीसरा चौथा है पीजीटी। ये तीन तरह के लेवल पे पेडागोजी से संबंधित क्या सवाल पूछे जाएंगे, ये समझना कुछ खास जरूरी है। पेडागोजी का मतलब क्या होता है? शिक्षण शास्त्र, शिक्षण शास्त्र इसको बोलते हैं हिंदी में। साथियों, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जैसे तैयारी कर रहे हैं, वो DSSB की तैयारी करते हैं, CTET की तैयारी करते हैं, अलग अलग टीचिंग एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं, जिसमें पेडागोजी का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आप देख सकते हैं पेडागोजी के अंदर, जैसे कि आप सभी लोग मेनली जो कैटेगराइज करते हैं कि भाई क्या पढ़ना है, शिक्षण शास्त्र के अंदर क्या पढ़ना है, इसका मनोविज्ञान से क्या रिलेशन होगा, तो यहाँ पर कुछ विशेष बातें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप टीचिंग की तैयारी करते हैं तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी आप पढ़ते हैं। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में बच्चे के विकास की अलग अलग अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं। इसमें कुछ थ्योरीज हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि कोहलबर्ग की थ्योरी है, जीन प्याजे की थ्योरी है, या एरिक्सन की थ्योरी है, सिगमंड फ्रायड की थ्योरी है, वाइगोस्की की थ्योरी है। इन थ्योरीज को पढ़ते हैं विकासात्मक मनोविज्ञान के अंदर। तो उस हिस्से को, विकासात्मक हिस्से को आपको यहाँ पर पढ़ना है, जिसमें आप लिख सकते हैं यहाँ पर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का हिस्सा आपको पढ़ना है, या विकासात्मक मनोविज्ञान का एक हिस्सा यहाँ पर होगा। ठीक है, ये यहाँ पे पूछे जाएंगे। यही चीज़ TGT के विद्यार्थियों के लिए भी जरूरी है। विकासात्मक मनोविज्ञान को उनको ठीक से पढ़ना है, और PGT में भी विकासात्मक मनोविज्ञान पढ़ना है। दूसरा जो है लर्निंग, लर्निंग का क्या संबंध है उसके याद करने से, लर्निंग एंड मेमोरी, लर्निंग का क्या संबंध है उसके मोटिवेशन से, लर्निंग एंड मोटिवेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है, जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एक बच्चा कोई भी अधिगम करता है उसके पीछे मोटिवेशनल फैक्टर क्या क्या होते हैं, बच्चा के नहीं अधिगम करने के पीछे क्या क्या मोटिवेशनल फैक्टर होते हैं, मतलब हाउ लर्निंग इज डिटरमाइंड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो दूसरा पार्ट है वो लर्निंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, या इसको अधिगम कह सकते हैं, और अधिगम की सभी चीज़ों को रिलेट करना है, अधिगम से रिलेट करना है मेमोरी को, अधिगम से रिलेट करना है उसके अभिप्रेरणा या मोटिवेशन को, अधिगम से रिलेट करना है उसके इंटेलेक्ट से, बुद्धि से, उसके इमोशन से, हर चीज़ों से अधिगम का बहुत बड़ा रोल होता है। अधिगम हर जगह होता है, और अधिगम टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में ही हम बात करते हैं यहाँ पे। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, तो ये भी चीज़ें पढ़नी है, TGT और PGT दोनों ही पार्ट के लिए ज़रूरी है। इसके बाद आप देखेंगे तीसरा जो पार्ट होता है, इसमें इंक्लूजन की बात होती है, या इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं कि भाई इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, मतलब समावेशी शिक्षा इसको आप कह सकते हैं, समावेशी शिक्षा क्या होती है। दूसरा जो पार्ट आता है, समावेशी शिक्षा सबके लिए पढ़ना ज़रूरी है, चाहे वो PRT के लिए पढ़ रहे हो, TGT के लिए पढ़ रहे हो, या PGT के लिए पढ़ रहे हो। समावेशी का मतलब क्या होता है, वैसे बच्चे जो स्कूल तक नहीं पहुँच पाते हैं किसी कारण से, स्कूल तक बच्चा कौन सा नहीं पहुंच पाता है, दो बच्चे हो सकते हैं, या तो जिनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं होगा, या उनके परिवार के लोग, पेरेंट्स उनको स्कूल नहीं भेज पाते हैं। दूसरे बच्चे वो होते हैं जो फिजिकली डिसेबल होते हैं, जैसे शरीर की कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, या पोलियो है, या अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती है, वो भी बच्चे स्कूल तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो बच्चे स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं वो किसकी जिम्मेदारी है, क्या सरकार की जिम्मेदारी है, क्या पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, क्या स्कूल की जिम्मेदारी है, या पूरे देश की जिम्मेदारी है। जी हाँ, मेरा आंसर यही है, पूरे देश या पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी है। अगर बच्चा स्कूल नहीं पहुंच पा रहा है तो सरकार की, समाज की, सोसाइटी की, पेरेंट्स की, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चा स्कूल जाना चाहिए। इसीलिए राइट टू एजुकेशन में
छः साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री में एजुकेशन देने की बात कही जाती है, क्योंकि वो बच्चे फ्री में एजुकेशन ले सके। यहाँ पे आपको अलर्ट रहना, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं KVS के एग्ज़ाम में। अगला जो पार्ट है आप देखेंगे, यहाँ पे टीचिंग मेथड्स हैं। टीचिंग मेथड हैं भाई, शिक्षा की कौन कौन सी विधियाँ हैं, कैसे शिक्षा दिया जाता है। जैसे आपने प्रोजेक्ट मेथड की बात कर लिया है, या आप पार्टिसिपेटरी मेथड की बात करते हैं, अलग अलग तरीके से बच्चा सीखता है। मॉन्टेसरी मेथड है या प्ले वे मेथड है, खेल खेल के द्वारा बच्चा सीखता है। अलग अलग मेथड्स होते हैं सीखने के लिए, ये भी सबको पढ़ना है, चाहे आप PRT, TGT या PGT की तैयारी कर रहे हैं, ये सबके लिए ज़रूरी है। इसके बाद एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉकेट है वो है सोशल साइकोलॉजी या सोशोलॉजी से जो क्वेश्चन आते हैं, वो पूरे सोशोलॉजी से नहीं आते हैं। कौन से पार्ट पे आपको ध्यान देना है पूरे सोशल साइकोलॉजी में, वो एक इम्पॉर्टेंट है। तो सोशियोलॉजी में जो सोशलाइजेशन है, सोशियोलॉजी में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ध्यान देने की बात है वो है जेंडर। जेंडर का मतलब होता है लिंग। जेंडर के अंदर कहाँ पे भेदभाव होता है, हमारे समाज में जेंडर को लेके बहुत ज़्यादा बायसनेस होती रहती है, तो उस बायसनेस से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपको हमेशा बायसनेस से रिलेटेड आप देखेंगे DSSB में, PRT में, मैं बहुत सारे क्वेश्चन को देख रहा हूँ कि जेंडर से, सेक्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्यों डिस्क्रिमिनेशन है, क्यों भेदभाव है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के अंदर कुछ जो चीज़ें हैं, वो जो प्रोसेसेस हैं वहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि ये तो PRT के लिए हो गया, TGT में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आएंगी, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का जो प्रयोग है, जो आर्टिकल्स हैं शिक्षा में, वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, तो आर्टिकल या कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद जो आयोग है, जो समितियाँ हैं आयोग हैं, वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं जिनको कमीशन, और एजुकेशनल पॉलिसीज जो बनी इंडिया के अंदर वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। अगला पार्ट है आपको माइक्रो टीचिंग से सवाल पूछे जाएंगे। माइक्रो टीचिंग का मतलब होता है सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सूक्ष्म शिक्षण के साथ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। एक तो ये एक हमने सिलेबस के बारे में बताया कि PRT, TGT और PGT के लिए सिलेबस पढ़ना क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि सर मैं TGT के लिए तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो हमें क्या नहीं पढ़ना चाहिए, या बहुत सारे लोग PGT वाले हों क्या नहीं पढ़ेंगे। तो पेडोगॉजी में दोस्तों देखिए, मैं एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप कुछ कॉमन चीज़ें पढ़ेंगे तो ये सबके लिए ज़रूरी है। इस साल TGT के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि TGT में जो मार्क्स आएंगे, आप देखेंगे अगर हम मार्क्स का डिवीज़न करें तो PRT में 20 मार्क्स के या 20 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे पेडोगॉजी से, और TGT में आप देखेंगे यहाँ पे 40 मार्क्स या 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ से। यहाँ पे आपको ये देखना, और PGT में 20 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या 20 क्वेश्चंस होंगे। तो ये देखेंगे कि जो 40 है यहाँ पे, ये TGT में सबसे ज़्यादा इस बार पूछे जाएंगे, और PRT के लिए 20 और PGT के लिए 20-20 है। लेकिन 20 का मतलब ये नहीं हुआ कि आपको कुछ कम सिलेबस पढ़ना है, या जिनको 40 में देना उनको कुछ ज़्यादा सिलेबस पढ़ना है। कॉमन चीज़ें सबको पढ़नी है यहाँ पे, क्योंकि ये एजुकेशन साइकोलॉजी है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग नहीं कर सकते। जो कॉमन चीज़ें हैं ये सभी स्टूडेंट्स को पढ़नी है और सबके लिए ज़रूरी है। इसके बाद PGT वालों को कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है वो चीज़ आप देखेंगे। कुछ कॉमन चीज़ें आप पढ़ेंगे जो PRT में पढ़े हैं, वही TGT को भी पढ़ना है, वही PGT को पढ़ना है, लेकिन थोड़ा PGT को थोड़ा अलग क्या पढ़ना है वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। जो PGT वाले लोग हैं, PGT में एक तो आपको एडोलेसेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। एडोलेसेंस में जिनकी एज, जिन बच्चों की एज, किशोरावस्था की जो एज होती है, आप देखेंगे 11 साल से लेके 19 साल तक की जो एज होती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। CCE हालांकि तीनों को पढ़ना है, PRT को भी पढ़ना है, TGT को भी पढ़ना है, CCE से भी काफ़ी क्वेश्चंस PGT में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद ICT वाला जो पार्ट है, आई
ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ से सवाल सबसे पूछे जाते हैं, लेकिन PGT में थोड़ा ज़्यादा आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस तरह से साथियों, अगर आप देखते हैं कि ये आपका 3 पार्ट में KVS की तैयारी आपकी डिवाइड हो गई, PRT, TGT और PGT, ठीक है। जो कॉमन चीज़ें पढ़नी है वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, PRT को भी पढ़नी है, TGT को भी पढ़नी है, PGT को भी पढ़नी है। लर्निंग के बारे में PRT, TGT और PGT सबको पढ़ना है। इसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन, टीचिंग मेथड्स या जेंडर वगैरह है, ये सबको ही ध्यान देना है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन है। इसके बाद कुछ आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशन, आयोग, समितियाँ जो हैं वो TGT को ज़्यादा ध्यान देना है, ज़्यादा पढ़ना है। माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण क्या है, Allen & Dwight ने माइक्रो टीचिंग के बारे में बताया, या माइक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, बेंजामिन ब्लूम ने टैक्सोनॉमी में 3 तरह के डोमेन के बारे में बताया, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन, यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। और PGT में देखेंगे एडोलसेंट्स, किशोरावस्था या CC ICT के बारे में यहाँ से क्वेश्चन है। लेकिन ये सभी मैं सजेस्ट करूँगा कि KVS का जो मेरा पिछला 7-8 सालों का एक्सपीरियंस रहा है, KVS में आप बहुत ज़्यादा अलग करके नहीं पढ़ सकते। हाँ, टीचिंग मेथड्स के ऊपर, इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर आपको अच्छा खासा सवाल देखने को मिलता है और वहाँ से आप पढ़ेंगे। और जहाँ तक सवाल है कि भाई कौन सी किताब पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, तो इसको पढ़ने के लिए सबसे अच्छा मैं प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ, Adda 247 पे आ करके आप पढ़िए। हमारे बैचेस यहाँ पे स्टार्ट होने वाले हैं जल्दी, या हमारे वीडियो कोर्स भी अवेलेबल है, आप यहाँ से ले सकते हैं। या Adda 247 पे KVS का स्पेशल पैकेज चलेगा, स्पेशल कोर्स चलेगा, जिसमें अलग अलग टीचर, हिंदी के लिए टीचर आएंगे, आपको इंग्लिश के लिए अलग टीचर्स होंगे, आपको GK GS के लिए टीचर होंगे, रीजनिंग के लिए टीचर होंगे, या पेडोगोजी या साइकोलॉजी मैं खुद ही पढ़ाऊंगा। तो इस तरह से सारा पैकेज आपको Adda 247 के पे मिलेगा। और आप 2 तरीके से भी पढ़ सकते हैं हमारे चैनल पे। एक तो फ्री में आपको पढ़ाया जाएगा, जो हमारे जितने वीडियो कोर्स चल रहे हैं या जितने यूट्यूब लाइव प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसको भी देख सकते हैं, या पेड बैचेस भी हैं, आप वहाँ पे भी जा करके पढ़ सकते हैं। साथियों, आज हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया, आपको चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडोगॉजी या पेडोगॉजिकल जो कंसर्न है KVS के एग्ज़ाम में, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सिर्फ हमने आपको इसकी एक जानकारी दी कि आपको पेडोगॉजी कैसे पढ़ना है, ठीक है। पेडोगॉजी डिटेल में पढ़ने के लिए हम आपके साथ अगले क्लास में नए नए लेसन के साथ, नए नए क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ मिलेंगे। साथियों, अगर ये चैनल अच्छा लगा आपको तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं छोड़ेंगे। सब्सक्राइब अगर करते हैं तो आपको इसका नया नया नोटिफिकेशन, क्या क्लासेज चल रही हैं, आपको रेगुलर क्लासेज मिलती रहेंगी, आपको उसका नोटिफिकेशन जाता रहेगा। तो साथियों, अब हम नए क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं KVS सिलेबस के साथ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।